आपके साथ पल्लवी पाठक। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक बीजेपी मुख्यालय में रविवार शाम को आयोजित हुई। इस बैठक में बिहार में पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। बैठक के बाद खबर आई है कि कई अधिकांश नामों पर चर्चा पूरी हो चुकी है। 50 सीटों पर नाम भी तय कर लिए गए हैं। चूंकि जदयू भाजपा के सीटों की औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, इसलिए सीटों के बंटवारे के होते ही भाजपा अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। बिहार में लोजपा के राजग के साथ चुनावी गठबंधन में बाहर होने के बाद अब भाजपा 100 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रही है। वहीं दूसरी ओर हम पार्टी को जदयू अपने कोटे से सीट देने जा रही है। हालांकि भाजपा को जदयू से कम सीटें मिलने वाली है और इसके लिए बीजेपी तैयार भी हो गई है। भाजपा के नेताओं ने संकेत दे दिए हैं कि सीटों के बंटवारे की घोषणा अगले 1-2 दिनों में कर दी जाएगी। इस बैठक में पीएम मोदी समेत अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, थावरचंद गहलोत, शाहनवाज हुसैन समेत बिहार बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। दूसरी ओर एलजेपी के नीतीश से आर पार के बाद एक हद तक एनडीए में सीटों का बंटवारा आसान हो चुका है। खबर ये आ रही है कि आज किसी भी वक्त एलजेपी में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो सकता है। अब देखना यह है कि बंटवारे की घोषणा के बाद बीजेपी ऐसी क्या नई रणनीति बनाती है जिससे वो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जीत सके।